नमस्कार, मैं विभू कुमार झा और इस वक्त मैं पहुंचा हूं पटना के रेलवे स्टेशन। जो तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए, यही वो दृश्य है पटना का रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म का, जहां पर लोगों का जो है हुजूम है और लोग जो है दूर दराज से देश के कोने कोने से आ रहे हैं। और ऐसे में जो आपको पता होगा कि ओमिक्रॉन एक ऐसा वायरस जो कि विश्व में एक बार फिर दस्तक दे दिया है, दुनिया में एक बार फिर आने के बाद जो है लोगों की हलचल बढ़ गई है और ओमिक्रॉन ऐसा बताया जा रहा है कि बेहद खतरनाक है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना वायरस की जो समस्या लगातार दो साल से लगातार चल रहा है, और ऐसे में एक बार फिर ये तीसरी लहर, आपको पता होगा कि पहली लहर में जो त्रासदी हुई, दूसरी लहर में जो लोगों की संख्या जाने गई, अब तीसरी लहर में किस तरीके से समस्या आने वाली है, इसको लेकर सबसे बड़ी बात है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मास्क अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों का ये है कि अब तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए तमाम लोगों को, जो मास्क अभी भी लोग इसको बखूबी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इस सामने दिखाइए कि ये बताइए कि अंकल आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं लगाया। आपको पता होगा कि एक बार फिर जो है कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है। हाँ, नया वेरिएंट, तो मास्क लगाना तो बहुत ज़रूरी है। नहीं, जरूरी है, लगा लेते। अब हमारे चैनल के माध्यम से कहिए भी कि लोगों को मास्क लगाना चाहिए। नहीं, मास्क लगाना एकदम जरूरी है। जरूरी है, जरूरी। लोगों को संदेश दीजिए ताकि लोग अभी भी मास्क की जानकारी लोग लें। आप बताइए आंटी की मास्क लगाना कितना जरूरी है। ठीक है, जरूरी है, गलती हो गया। तो इस तरह से आपको तस्वीरों के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं कि लोगों की जो जागरूकता है वो क्यों नहीं बढ़ रही है। ये बताइए कि हमारे साथ और भी लोग हैं, उस लोग से बात करेंगे। आप नहीं, मास्क क्यों नहीं लगाए अंकल? सर अभी तुरंत खैनी बना कर खाए। नहीं, मास्क तो जरूरी है ना। आप ये बताइए कि मास्क लगाना जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी है, क्योंकि आप नहीं ध्यान देंगे तो आप लोग के बच्चे कैसे ध्यान देंगे। बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि नया वेरिएंट जो है फिर एक बार आ गया, ओमिक्रॉन आ चुका है ना। तो बात बताइए दर्शकों को कि मास्क लगाना चाहिए कि नहीं। अभी हम थोड़ा खैनी बनाए थे इसलिए, लेकिन जरूरी है ध्यान देना। चलिए, जितने भी लोग हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं आरा से आ रही हूँ। आरा से आ रहा है। तो कोरोना का नया वेरिएंट आ गया, पता है आपको? जी जी। मास्क लगाना जरूरी है कि नहीं जरूरी? बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए अंकल कहाँ से हैं? कोरोना का जांच कराना चाहिए। जी जी, सबको कराना चाहिए। मास्क नहीं लगाया अंकल? मास्क नहीं लगा है, मास्क कहीं गिर गया। गिर गया। लेकिन मास्क तो बहुत जरूरी है ना। एकदम जरूरी है, क्योंकि आप संदेश नहीं, अभी हमने जांच करवाया कोरोना। आप नहीं लगाएंगे तो आपके बच्चे कैसे लगाएंगे? सभी लोग लगाते हैं, हम लोग मास्क नहीं लगाते तो अभी बच्चे नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, मास्क बिल्कुल लगाइए, बहुत जरूरी है। ये बताइए भैया कि किस तरीके से जाँच चल रहा है यहाँ पे और कैसा जाँच हो रहा है? बहुत सावधानी बरता जा रहा है और बहुत सावधानी तरीके से जाँच किया जा रहा है, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं अपने से कराने, और बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि हम नहीं कराएंगे, भाग जा रहे हैं, देखते ही दूर चले जाते हैं। तो उनको हम कहना चाहते हैं कि आकर कराएं, वो डरे नहीं, हमारा सहयोग करें, मेडिकल टीम का सहयोग करें, हम लोग उनके साथ हैं। ये तो कोई नई चीज़ नहीं है, जो जाँच हो की जाती है, इसमें कोई दिक्कत है? लोगों को डरने की तो कोई ज़रूरत आवश्यकता इसमें नहीं है। फिर भी बहुत सारे लोग को देखे, हमने बुलाया कि आइए जाँच कराइए, तो दूर से ही भाग गए, नहीं हम नहीं कराएंगे, हमारा हुआ है। जो टीका पड़ा हुआ है उनको भी आदेश है कि करना है जांच, तो वो भी आकर कराएं। यहाँ जांच में क्या सब करते हैं आप? जांच में बस हम नेजल स्वाब लेते हैं, नाक से और थ्रोट से, दो जगह से हम लोग लेते हैं जी। और बुफर एक केमिकल आता है, केमिकल को मिला के एंटीजन किट से हम लोग जांच करते हैं। दो मिनट लगता होगा आप लोग? बस 2 से 5 मिनट के अंदर उसका रिजल्ट इशू हो जाता है बस। कब से जो है इस पर ध्यान दी जा रही है, ओमिक्रॉन वायरस आने के वेरिएंट आने के बाद एक बार फिर व्यवस्था दुरुस्त किया गया? हाँ, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा एक्शन लिया गया है, जब से ओमिक्रॉन का नाम सुना गया है तो उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा लोग। क्या क्या निर्देश दिए गए आप लोग अधिकारी के द्वारा यहाँ? बहुत सावधानी से रहना है, अपना भी सेफ्टी देना है और प्रेम से बुला के सबको सावधानी से जाँच करना है। कौन इसके स्टेशन इंचार्ज है? यहाँ के इंचार्ज सर से अभी बात कर लूँ। अब रे मैडम, किस तरीके से आप लोग जाँच कर रहे हैं? जांच तो बहुत सावधानी तरीके से किया जा रहा है, बट कुछ लोग यहाँ आकर जांच करवाते भी हैं, तो कुछ लोग यहाँ से चले भी जाते हैं। लोग यहाँ आते हैं जांच करवाने?
कोई अपने मन से कोई आते हैं।